बिग बॉस के घर से बाहर निकलने के बाद विशाल कोठियान ने कई मीडिया इंटरव्यूज दिए। इन मीडिया इंटरव्यूज में आपने देखा होगा, जो फिल्म विंडो पर भी उनका एक्सक्लूसिव इंटरव्यू है, उसमें उन्होंने साफ साफ कहा है कि मेरा गेम अगर खराब हुआ तो शमिता की वजह से। शमिता को लेकर उन्होंने कहीं बहुत सारी जो है बातें कही। अब उन्होंने ये भी कह दिया कि शो जो है पूरा शमिता को लेकर बायस्ड है। उसको तो ग्लूटेन फ्री खाने के नाम पर बहुत कुछ दे दिया जाता है और हम लोग भूखे रह जाते हैं। तो विशाल के शब्दों में अगर मैं कहूं तो उन्होंने जूम को दिए इंटरव्यू में कहा, द शो इज कम्प्लीटली बायस्ड टुवर्ड्स शमिता। वो मेरी बहन है, वो हमेशा मेरी सिस्टर रहेगी, लेकिन सच सच है, रिश्ता रिश्ता है। यहाँ पर शमिता का पूरा घर जो है आ चुका है, मतलब यानी कि राकेश आया, राजीव को लाया, नेहा को लाया। वो आगे कहते हैं, ग्लूटन फ्री खाने के नाम पर उसको पूरा खाना दिया जाता है, हम भूखे मरते हैं और उसको पूरा खाना दिया जाता है। ग्लूटन इज अ मेडिकल इशू जो मुझे समझ में आता है, लेकिन भूख भी तो एक मेडिकल इशू है। एक दिन अगर मुझे बिना खाने के रखा जाए तो मुझे एसिडिटी हो जाएगी, तो क्या ये मेडिकल इशू नहीं है? तो ग्लूटेन फ्री खाना देना और पूरे परिवार को उसके बुला लेना, रोज ऐसा लगता है कि उसका घर में, मतलब घर में उसके परिवार को ही बुला लिया है। उसको ओटीटी का एक्सपीरियंस भी है, वो मेडिकल रीजन के लिए बाहर जाती है तो उसको पूरा एपिसोड दिखाया जाता है, विच मीन्स शी कैन टेक मेडिकल रेस्ट एंड इवन वॉच द एपिसोड और अंडरस्टैंड द गेम एंड देन प्ले अकॉर्डिंगली। तो ये बात विशाल ने साफ साफ कह दी है कि अब जो है शो को लेकर जो बाहर भी बात कही जा रही है कि शमिता को बहुत ज्यादा फेवर किया जा रहा है, वही बात अब विशाल ने भी कही है कि ग्लूटेन फ्री के नाम पर, मेडिकल इश्यू के नाम पर उसको बाहर भेजा जाता है, एपिसोड दिखाया जाता है, उसको ओटीटी का एक्सपीरियंस है, उसके परिवार को भी अंदर जो है, दोस्त को भेजा गया, राकेश आया, वो आ जाते हैं, यहाँ तक कि ग्लूटेन फ्री के नाम पर उसको तो खाना दे दिया जाता है और हमें जो है शो में भूखा रखा जाता है। तो मेकर्स के बायस्ड होने पर, शमिता को फेवर किए जाने पर, ये सारी बातें अब विशाल ने खुलकर कही हैं। उन्होंने कहा रिश्ता अपनी जगह है और सच्चाई अपनी जगह है। तो एक उन्होंने खुलकर जो है इन सारी चीजों पर अब सवाल उठाए हैं।